जालौन में क्लास में मोबाइल चलाना एक छात्र को भारी पड़ गया। मोबाइल चलाने पर एक टीचर ने आईटीआई के छात्र को बेरहमी से पीट पीट कर घायल कर दिया। घायल छात्र ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद मौके पर पहुंची जांच के बाद पुलिस ने पिटाई करने वाले टीचर को पकड़ लिया और कोतवाली ले आई, जहां उससे पूछताछ करने में जुटी है। मामला कोच कोतवाली के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का है। इसमें मोहित वर्मा नाम का छात्र आज दोपहर के समय क्लास में पढ़ रहा था। इसी दौरान कॉलेज में पढ़ाने वाले अध्यापक संदीप विश्वकर्मा आ गए और वह छात्र मोहित को अकारण ही पीटने लगे और उन्होंने छात्र को लोहे की राड से पीट पीट कर घायल कर दिया। इस पिटाई से छात्र के शरीर पर गंभीर चोटें आई। पिटाई की शिकायत पीड़ित ने पुलिस से की। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। जांच के दौरान पुलिस ने छात्र से बात की, जहां छात्र ने बताया कि वह क्लास में था, तभी अध्यापक संदीप विश्वकर्मा आ गए और उन्होंने पीटना शुरू कर दिया। छात्र ने बताया कि किसी साथी ने टीचर से झूठी शिकायत कर दी कि वह सर का मोबाइल चला रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने पीटा, जबकि सर ने उससे कुछ पूछा ही नहीं और सर का मोबाइल उसके पास था भी नहीं। इस मामले के बाद पुलिस ने छात्र की शिकायत के बाद पिटाई करने वाले टीचर को हिरासत में ले लिया और कोतवाली ले आई, जहां उससे पूछताछ में जुटी है। वहीं इस मामले में कोच की सीओ रुक्मानी वर्मा ने बताया कि शिकायत आई है और दोनों पक्ष कोतवाली आए हैं, शिकायत आने पर कार्यवाही की जाएगी। और ये कौन सा विद्यालय है? ये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोच है ये। इसके स्टूडेंट हैं आप? हाँ, हम स्टूडेंट हैं आगे, और टीचर का नाम है कि क्या चोटें आई हैं? चोट में हमें पीछे चोट आई है, बहुत भयंकर, यहाँ पे मुंह में सीट मारी है और यहाँ पे भी मारी है, शर्ट फट गई है पूरी। टीचर का नाम क्या है? टीचर का नाम है विश्वकर्मा, संदीप विश्वकर्मा। क्यों मारा उन्होंने तुम्हें? बस यही जुर्म है कि कुछ जुर्म भी कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मोबाइल रखा था उनको टेबल पे और बोले कि आप टेबल पे मोबाइल चला रहे हैं मेरा, किसी बच्चों ने कह दिया झूठा जाके वहाँ पे, बस वो आए मारने लगे हमें, बस यही है। अभी आपने पुलिस वाले को क्या सूचना दी इसकी? अभी सूचना दे दी है, लेकिन आ रही है पुलिस, अभी रास्ते में भी है। किसको सूचना दी है? सीओ को दी है मैंने सूचना, बस। अभी झगड़े की मेरे पास सूचना आई तो मामला मेरे संज्ञान में आया और उस संज्ञान के आधार पर मैंने पुलिस फोर्स को वहाँ भेजा, दोनों पक्षों को लेकर आए हैं थाने में और उनके पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के आधार पर जो भी चीज़ें निकल के आएंगी उसके आधार पर उचित वैधानिक कार्रवाई अग्र कार्रवाई के लिए आगे आदेश भी दिया जाए। जालौन से अनुज पाटकर की रिपोर्ट।